15 अगस्त 1936 भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी। 11 बजे ओवल मैदान में तीसरा टेस्ट शुरू होने वाला था। 1000 किलोमीटर दूर उसी समय भारत ध्यानचंद के नेतृत्व में बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी के विरुद्ध हॉकी फाइनल खेलने जा रहा था। हमारी उस क्रिकेट टीम में दो ऐसे खिलाड़ी थे जो इस हॉकी टीम में हो सकते थे, सैयद मुश्ताक अली और एमजे गोपालन। मुश्ताक अली ने तो पहले ही क्रिकेट चुन लिया था, पर गोपालन तो बाकायदा दोनों ही टीम में सेलेक्ट हुए थे। उन्होंने इंग्लैंड जाना पसंद किया। अफसोस, उन्हें कोई भी टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। और उधर भारत ने जर्मनी को 8-1 से फाइनल में पराजित किया और निश्चित रूप से गोपालन ओलंपिक पदक हासिल करने का सुनहरा मौका गंवा बैठे। नमस्कार, आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह भारतीय क्रिकेट और इससे जुड़े कई और ऐसे दिलचस्प किस्से लेकर फिर हाजिर हुआ हूं मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India race into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. अठारहवीं शताब्दी से ही एक नए तरीके से हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। पहले कंपनी राज, फिर ब्रिटिश राज। क्रिकेट उन्हीं का खेल था, पहले इंग्लैंड में खेला गया और यहाँ अंग्रेजी सिपाही, सैनिक या नाविक मनोरंजन के लिए खेलते थे। धीरे धीरे हमने भी खेलना सीखा और उस जमाने में हमारे लिए अंग्रेजी टीमों के विरुद्ध खेलना बहुत जरूरी था। ये एकमात्र तरीका था जिससे हम अपने खेल का स्तर ऊंचा कर सकते थे। एक आध टीम यहां से इंग्लैंड भी गई, क्लब लेवल और फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले। आखिरकार भारत को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने लायक समझा गया और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हम छठे देश बने। 1932 में पहली ऑल इंडिया क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के दौरे पर आमंत्रित किया गया और तब से भारतीय खिलाड़ी और क्रिकेट फैंस इंग्लैंड के दौरे का हर बार बेसब्री से इंतजार करते हैं। अप्रैल 1932 बंबई डॉक से एक जहाज रवाना हुआ। इस जहाज का नाम था स्ट्रैथनेवर और यह उन पहले जहाजों में से था जिसका पतवार या हल सफेद रंग का था। 7 हिंदू, 4 मुस्लिम, 4 पारसी और 2 सिख इंडियन क्रिकेटर्स जहाज पर सवार थे। पटियाला के महाराजा के सौजन्य से भारत की पहली औपचारिक टीम इंग्लैंड जा रही थी। एक और महाराजा इस टीम के कप्तान थे, पोरबंदर के महाराज। जहाज पर सवार होने से पहले उन्होंने कहा, और वाह इंडिया, वी शैल ब्रिंग यू लॉरल्स एज यू विश अस टू। अलविदा भारत, देश के लिए हम ख्याति प्राप्त करने चले। अप्रैल 1932 को फ्रांस में मार्सिये पहुंचने से पहले भारतीय टीम ने 2 हफ्ते तक सफर किया और फिर ट्रेन से लंदन में विक्टोरिया स्टेशन पहुंचे अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला खेलने, और इंग्लैंड की टीम उनका इंतजार कर रही थी। लंदन टाइम्स का हेडिंग था, 18 प्लेयर्स स्पीक 10 लैंग्वेजेस। एक लोग ये भाषा बोल रहे हैं, दूसरे लोग ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि somebody from Kashmir and somebody from the east would come from very different climatic backgrounds and all of that. टीम के इंग्लैंड पहुंचते ही क्रिकेट का खेल शुरू हो गया और टीम ने प्रथम श्रेणी के मैचों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया। सी के नायडू ने बल्ले और गेंद दोनों के साथ खूब कमाल दिखाया और उन मैचों के नायक बने। दूसरी ओर भारत के कप्तान पोरबंदर के महाराज से रन बिल्कुल नहीं बन रहे थे और ये भारत के प्रथम टेस्ट मैच से पहले एक चिंता का विषय बन गया था। प्रैक्टिस मैचेस या वार्म अप मैचेस में ये पता चल गया कि पोरबंदर की बस की बात नहीं है,
ये टेस्ट मैच खेलना एक लतीफा या एक जोक बन गया था कि पोरबंदर के पास रोल्स रॉयस ज़्यादा है और रन्स कम है। तो इसी वजह से जब टेस्ट मैच की टीम अनाउंस हुई तब सी के नायडू को कैप्टन बनाया गया, जिनके जिनकी क्रिकेट के बारे में तो दो राय नहीं थी। 25 जून 1932 को सी के नायडू ने इंग्लैंड के विरुद्ध लॉर्ड्स के मैदान पर पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम का नेतृत्व किया। भारत अपना पहला टेस्ट मैच हार गया। इंग्लैंड भी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना पहला टेस्ट मैच हारा था। उसके बाद सिवाय जिम्बाब्वे सब देश अपने पहले टेस्ट हारे हैं। ये पहला टेस्ट और ये पहला दौरा हार जीत के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हमने अंग्रेजी खिलाड़ियों, अंग्रेजी दर्शकगण, अंग्रेजी प्रेस सबको प्रभावित किया और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और 4 साल बाद जब भारत की टीम फिर से इंग्लैंड पहुंची तो अंग्रेजों को उनसे काफी उम्मीदें थी। '36 में हमें 3 टेस्ट मैचेस खेलने का मौका दिया गया। इस बार भी कप्तान एक राजघराने से थे, विजयनगरम के महाराज कुमार विजी। और ये भी अपने क्रिकेट के कौशल की वजह से कप्तान नहीं बने थे। विजी इसलिए कप्तान बने थे क्योंकि उनके पास अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काफी दौलत थी। विजी अपने प्रतिद्वंदी पटियाला के महाराजा को पीछे छोड़ के दौरे के प्रायोजक बने। इस हैसियत से वो एक सेलेक्टर बन गए और बतौर सेलेक्टर उन्होंने अपने आप को भारतीय टीम का कप्तान घोषित कर दिया। पटियाला के महाराजा ने 1932 में टीम का समर्थन किया लेकिन विजी का उनके साथ 36 का आंकड़ा था। विजी के पास हुनर की कमी थी और उसके बावजूद वो 1936 में टीम का नेतृत्व करने में बड़े उत्साहित थे। विजी वाज वेरी सॉर्ट ऑफ इवन क्लब क्लास क्रिकेटर, ही वाज नॉट अ टेस्ट क्लास क्रिकेटर, बट ही इंसिस्टेड ऑन कैप्टनिंग द टीम इन ऑल द टेस्ट मैचेस। इस बीच 25 वर्षीय लाला अमरनाथ काफी अच्छा स्कोर बनाए जा रहे थे और सबसे अधिक विकेट लेने में भी वो कामयाब रहे, लेकिन एक निजी लड़ाई झगड़े के कारण उनका दौरा बीच में ही खत्म कर दिया गया। अब एक साइड गेम चल रहा था, फादर आउट हुए तो लाला जी जाने के लिए खड़े हुए थे। महाराज ने वेट वेट लाला यू को हजारे साहब को भेज दिया। फिर उसमें से कोई आउट हुआ, फिर वो खड़े हुए वेट वेट लाला यू को पैड पहनने के बाद 5 में नहीं खिलाया, 6 में नहीं खिलाया, 7 में उनको जब भेज दिया वो वापस आके पैड छोड़ फेंक दिए तो उनको बोला चलो इनडिसिप्लिन में घर जाओ। एंड ब्रिटन जोन्स वाज विजीज मैन हु वाज द मैनेजर इन दैट टूर। लाला जी की शिकायत करी कि ये इस तरह का इसने एब्यूज करा और ये हो, तो उन्होंने उनका सामान वामान मंगवाया, कार के अंदर बिठाया और सीधे एयरपोर्ट भिजवा दिया। तो वे ही कैटापल्टेड दिस होल ऑफेंसिव अगेंस्ट लाला अमरनाथ was basically against Patiala. Vijay Bachchan wanted to see Mahatma Gandhi. Mahatma ji told Vijay Bachchan, you were in the Indian side, we toured England, and one Indian player was sent back. What did the players do about that? So Vijay Bachchan was shocked. Mahatma ji asking this question, what did he do? The whole team should have come back in protest. 1936 tour के ऊपर जो जांच कमेटी थे, वुमेन कमेटी, 1937 में अपना रिपोर्ट जनवरी में रिपोर्ट पेश किए थे और उस रिपोर्ट में उन्होंने लाला अमरनाथ को निर्दोष साबित किया और विजी जो कैप्टन थे उनका कैप्टेंसी को उन्होंने डिजास्ट्रस करार दिया था। इसके बारे में मैं और क्या कहूँ। 1936 के दौरे पर गई भारतीय टीम को इतिहास में सबसे बुरे नेतृत्व वाली टीम माना गया है। जाहिर है परिणाम तो बुरे होने ही थे। अपने महाराज विजयनगरम ने बोला कि ठीक है मुश्ताक आप वन डाउन जाइए या ओपन कर ली, तो वहाँ जाके उन्होंने जिस क्लास का जो क्रिकेट जो खेलते थे तो वहाँ के लोगों को लगा कि यार ये कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है कि आपका बॉल लेग में मार देना। जब 30-40 रन हो गए उनके और वही शॉट खेल रहे हैं कि इधर का बॉल लेके इधर मार दिया, इधर का बॉल लेके इधर मार दिया, तो वो जो अंग्रेज थे तो मुंह पे ऐसे ऐसा करके हंसते थे कि यार ये क्या क्रिकेट है।
पर जब 50-60-70 करोड़ तो लेंगे तो इनका स्ट्रोक है। मुश्ताक अली ने विदेशी दौरों में भारत के लिए पहला शतक बनाया और मर्चेंट और मुश्ताक के बीच हुई 203 रनों की साझेदारी मैच को ड्रॉ करने में कामयाब रही। मुश्ताक की जो पोइट्री और मर्चेंट की जो प्रोज लिखा है नेवल कार्डस ने, वैसे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट से किसी ने नहीं दिया हुआ। तीसरे टेस्ट में भी हमारी भारी पराजय हुई और हमारी टीम श्रृंखला 2-0 से हारने के बाद वापस भारत लौट आई। विजी अपने साथ सेवक और 200 से अधिक बक्सों समेत अकेले निकल गए। इसमें दो राय नहीं है कि विजी अच्छे कप्तान नहीं थे, पर उनकी कूटनीति की दाद देनी पड़ेगी। इंग्लैंड टूर के दौरान उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया। उनके अलावा किसी भी क्रिकेटर को अपने करियर के दौरान यह उपलब्धि नहीं मिली। बहुत ही जल्दी दूसरे विश्व युद्ध का ऐलान होने वाला था और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक रुकावट आने वाली थी। दादा अमरनाथ, विजय मर्चेंट, विजय हजारे, विनू मानकड़, मुश्ताक अली, बिटवीन 20s एंड अर्ली 30s, ये इनका पीक पीरियड होता है क्रिकेटर्स का। ये 10 साल में इन सब प्लेयर्स के ये पीक ईयर्स निकल गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आखिरकार विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर से शुरू हुआ और सबसे पहले भारत को इंग्लैंड के दौरे पर आमंत्रित किया गया। विश्व युद्ध से पहले नवाब ऑफ पटौड़ी सीनियर इफ्तिखार अली खान इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे। यही नहीं, वो अपनी काउंटी के लिए भारत के विरुद्ध भी खेल चुके थे। 1946 में उन्होंने भारत की कप्तानी संभाली और वो लगातार तीसरे ऐसे कप्तान बने जिन्होंने भारत के लिए अपने पहले ही टेस्ट में नेतृत्व किया। नवाब ने अपनी 5 टेस्ट पारियों में केवल 55 रन बनाए। यकीनन दौरे के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हमारे उप कप्तान विजय मर्चेंट थे। मौसम बहुत ही ठंडा और गीला था, भारतीय खिलाड़ी विपरीत परिस्थितियों से जूझते रहे और श्रृंखला 1-0 से हार गए, लेकिन मर्चेंट ने अच्छी तैयारी की थी। उन्होंने और मुश्ताक ने मिलकर अच्छी साझेदारी करके अपनी जोड़ी को भारत की सर्वोत्तम जोड़ी बना दिया, लेकिन विनू मानकड़ के हरफन मौला प्रदर्शन ने मर्चेंट और मुश्ताक से भी ज्यादा वाहवाही लूटी। मानकड़ वाज एन ऑटोमेटिक चॉइस फॉर द इंडियन टीम्स टूर ऑफ इंग्लैंड इन 1946। इट वाज बिफिटिंग दैट ही शुड मेक हिज डेब्यू इन ऑफिशियल टेस्ट क्रिकेट एट लॉर्ड्स। ही हेल्प्ड मी टू पुट ऑन 293 रन्स फॉर द फर्स्ट विकेट अगेंस्ट ससेक्स एट होम। इन बोलिंग अलोंग विद अमरनाथ ही प्रूव्ड टू बी आवर ट्रंप बोलिंग कॉम्बिनेशन अगेंस्ट इंग्लैंड। He became absolutely indispensable to the Indian side, and he was the first and only Indian cricketer to perform the double, that is, score over 1,000 runs and capture over 100 wickets. Indeed, a grand all-round performance. 1946 का ये दौरा ब्रिटिश राज में हमारा आखिरी दौरा था और आखिरी बार एक भारतीय टीम ने ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट्स का इस्तेमाल किया। कुछ खिलाड़ी इन सालों में विश्व विख्यात हुए, लेकिन टीम के तौर पर अभी हम क्रिकेट में कदम आजमा ही रहे थे। इंग्लैंड से अब तक हम हर बार हारे थे। अंग्रेजों को हराने की तमन्ना कब पूरी होने वाली थी और क्या ऐसा हो सकता था कि अंग्रेजी सरजमीन पर भारत का विजयी झंडा लहराए? फरवरी सन 1952 में तकरीबन 20 साल टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद हमने मद्रास में अपने भूतपूर्व शासकों को भारत की सरजमीन पर हरा दिया और भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला पड़ाव पार किया। The Indian team, led by Hazare, beat England by an innings and 8 runs. It was India's first victory in a test match, and Mankad, with his superb bowling, was the chief architect of India's victory. कुछ महीनों बाद गर्मियों में जब हम इंग्लैंड के दौरे पर निकले तो यकीनन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें बढ़ गई थीं। लेकिन पिछले दौरे के दिग्गज खिलाड़ी में से कोई भी 1952 की टीम में नहीं था। विजय मर्चेंट तो रिटायर हो चुके थे
मुश्ताक अली और लाला अमरनाथ दौरे पर नहीं जा सके। वीनू मानकड इंग्लैंड में हैसलिंगडन क्लब के लिए पेशेवर रूप से खेल रहे थे और जब वो ट्रायल्स के लिए भारत नहीं आए तो बोर्ड ने उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। विजय हजारे की कप्तानी में 17 सदस्यों की टीम इस बार कलकत्ते से रवाना हुई। आजादी के बाद इंग्लैंड का ये हमारा पहला दौरा था। अपने धुरंधर खिलाड़ियों के बिना भारत की टीम रक्षा शैली अपना कर खेल रही थी। पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 21 वर्ष के फ्रेडी ट्रूमन ने हमारे शुरुआती बल्लेबाजों का हाल बेहाल कर दिया। ऐसा बर्ताव हमने पहले कभी नहीं झेला था और भारत शून्य के स्कोर पर 4 विकेट खो चुका था। इंग्लैंड को दो कौन सा ऐसा जेन्युइन फास्ट बॉलर है ना, ऐसा मांगता था। और ये फ्रेड ट्रूमन तो था ना, वो उनको मिल गया। हम 4 जन आउट हो गए थे 0 को। भारत उस स्थिति से उभर नहीं पाया और कप्तान हजारे और दत्तू फाटकर के बीच हुई शतकीय साझेदारी के बावजूद हम मैच आसानी से हार गए। दूसरा टेस्ट केवल 10 दिन में शुरू होने वाला था। विजय हजारे को अपनी टीम में अनुभव की कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने बोर्ड से अनुरोध किया कि वो किसी तरह विनू मानकड को टीम में शामिल करें। बोर्ड और मानकड के क्लब के बीच काफी बातचीत के बाद समझौता हुआ। हैसलिंगडन ने मानकड को टेस्ट मैचेस खेलने की अनुमति दे दी। द नाइट बिफोर दे वर हैविंग अ बियर एट अ पब एंड मानकड ने एक्चुअली बोला था मैं ट्रूमन को देख लूंगा एंड ही वेंट एंड स्मैश्ड ट्रूमन ऑल ओवर द पार्क। बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए मानकड ने बिना किसी डर के भारत को आगे बढ़ाया और फ्रेडी ट्रूमन जैसे खतरनाक गेंदबाज को पीटते हुए 72 रन जड़ डाले और भारत को 235 के स्कोर तक पहुंचा दिया। हालांकि इंग्लैंड ने उसका उत्तर 300 रनों की बढ़त से दिया। मानकड ने 5 विकेट लिए और दूसरी पारी में उन्होंने 184 रन बनाकर मैच में अपनी छाप छोड़ दी। भारत मैच और श्रृंखला दोनों हार गया, लेकिन उस टेस्ट मैच को मानकड्स टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड की महारानी ने भी उनके प्रदर्शन का आनंद उठाया। ।1950 और 60 के दशक में हमारे पास कोई शानदार गेंदबाज नहीं था और इस कमी का हमें 1959 और 1967 के दौरों में सामना करना पड़ा जहां हम सारे टेस्ट मैच हार गए। इन दौरों का जिक्र करते वक्त व्हाइट वॉश शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस शर्मनाक दौरे में लेकिन एक चीज ध्यान देने लायक थी और वो था अब्बास अली बेग का 1959 के टीम में शामिल होना। बेग उन दिनों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में थे और दौरे के दौरान उन्हें टीम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया क्योंकि टीम में कई खिलाड़ी चोट से ग्रस्त थे। ये शायद एक इकलौता उदाहरण है जब भारतीय टीम का कोट इंग्लैंड में सिलाया गया। बेग ने टीम में अधिकारियों का भरोसा कायम रखा और अपने पहले मैच में शतक जमाया। वो विदेशी दौरे में ये करने वाले पहले भारतीय बने। आजादी मिले हुए 20 साल हो चुके थे। इंग्लैंड के विरुद्ध भारत में खेली गई 1961-62 की श्रृंखला में हम जीते तो जरूर, पर उस जमाने में इंग्लैंड के वरिष्ठ खिलाड़ी और पत्रकार भी ज्यादातर भारत में आने से इनकार कर देते थे। अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने स्तर में वृद्धि लानी थी तो विदेश में, खास तौर से इंग्लैंड में जीतना जरूरी था। लेकिन श्रृंखला तो दूर, हम विदेशी जमीन पर कहीं भी टेस्ट मैच जीतने में अब तक असफल रहे थे। 1968 में हमने ये आदत बदली। न्यूजीलैंड में हमने श्रृंखला जीती और 1971 में वेस्ट इंडीज में भी। तो जब अजीत वाडेकर की कप्तानी में हम इंग्लैंड के दौरे पर निकले तब इस टीम में विदेशी जमीन पर जीत चखने वाले कई सदस्य थे और पहली बार कई ऐसे जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए थे। वेस्ट इंडीज में जब हम जीत के आए तो बहुत लोगों ने कहना शुरू किया कि दिस इज फ्लैश इन द पैन, कि नसीब से जीता। लेकिन
उनकी टेस्ट जो है रियल टेस्ट वो इंग्लैंड में। उस श्रृंखला में हमने काफी प्रयत्न किया। पहले दो टेस्ट मैच किसी के भी पलड़े में गिर सकते थे, लेकिन ड्रॉ हो गए। ओवल में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भी काफी गहमागहमी रही। पहली पारी में इंग्लैंड के पास 71 रनों की बढ़त थी। उसके बाद चौथे दिन मैच का रुख बदल गया, जब भगवत चंद्रशेखर ने 6 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। ऐतिहासिक जीत को पाने के लिए भारत को 173 बनाने थे और कप्तान वाडेकर लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। Skipper Wadekar and Dilip Sardesai are together in a stubborn partnership in the second innings of the third test. Wadekar is run out with 45 to his credit. भारत को भी 97 रनों की जरूरत थी। वाडेकर ड्रेसिंग रूम में गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। उनको क्या पता था कि जब तक वो उठेंगे मैच का नतीजा आ चुका होगा। Vishwanath joins Sardesai to pave the way to victory. India need 3 runs to win. The winning stroke, a square cut by Abidali that brings home a 4-wicket victory and the rubber. मैं आराम से सोया था और फिर केन बैरिंगटन उनका मैनेजर था, तो केन आया अंदर और के अजित गेट अप यू वन फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज मोर एक्साइटेड देन वी एक्चुअली, जैसे कि इंडिया कैसे जीत सकती थी। और अगले दिन जो तस्वीरें आईं उस सेलिब्रेशन की, उस पवेलियन में लोग जो मौज मस्ती कर रहे थे, हमारे लिए बहुत अहम था। Thousands await the arrival of skipper Wadekar and his victorious teams on their return after scoring India's first ever rubber victory in England. Bahut hi celebration, jaise ki pehle ek to red carpet, motorcade dikhi aur CCM function tha. So far as I am concerned, Ajit, a great dream has come true, and may God bless you and the Indian cricketers of 1971. You and 19 other cricketers for making that dream possible. पहला टेस्ट खेले हुए लगभग 40 साल बाद और गुलामी से मुक्त हुए 24 सालों बाद आखिरकार भारत ब्रिटिश राज के दौरान लगे मानसिक बेड़ियों से मुक्त हो गया। 1971 में हमने पहली बार इंग्लैंड में श्रृंखला जीती और इस अति रोमांचक श्रृंखला के बाद अगले साल इंग्लैंड की टीम भारत आई और हमने उन्हें फिर से सीरीज में मात दी। 3 साल लगातार भारतीय क्रिकेट टीम अपराजित रही। अप्रैल 1974 में भारत विश्व की नंबर 1 क्रिकेट टीम थी, जब हम इंग्लैंड के दौरे पर एक बार फिर निकले। अजीत वाडेकर पहले भारतीय कप्तान थे जिन्होंने 2 बार इंग्लैंड के दौरे पर टीम का नेतृत्व किया। '74 में वो इंग्लिश समर के फर्स्ट हाफ में गए, जब अप्रैल में जून में बहुत बारिश होती है, पिचेस बहुत फ्रेश होती हैं, पेस बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और उस टाइम पे इंडिया के पास पेस बॉलर्स नहीं थे, उनके पास 4 स्पिनर थे। स्पिनर्स को कोई जैसे कोई मदद मिली नहीं विकेट से, और क्लाइमेट तो एकदम ख़राब था, जैसे कि जो प्रैक्टिस मैचेस थे सब वॉश आउट हुए थे। विशन बेदी जो सीनियर स्पिनर थे, सीनियर मेंबर थे टीम के, उन्होंने प्लेयर्स की कॉम्पेंसेशन को लेके एक डिबेट किया अजीत वाडेकर से कि एज कैप्टन वाडेकर को कहना चाहिए इंडियन बोर्ड को, और दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुई। एक प्लेयर शॉपलिफ्टिंग के लिए भी पकड़ा गया था और इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर नाराज़। इस दौरे पर भारत को मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इन सब घटनाओं का टीम के ऊपर गहरा असर पड़ा और भारत को इसका नुकसान श्रृंखला में झेलना पड़ा। कोई मेहनत नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, गड्ढे में ऐसा गिरे निकलना मुश्किल हो गया वहां से। एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हो गया, खास करके लॉर्ड्स में जब 42 पर आउट हो गई थी इंडिया। 42 ऑल आउट एट लॉर्ड्स was the lowest point. तीन शून्य से निराशाजनक हार।
और एक ऐसा दौर समाप्त हुआ जिसमें हम देश विदेश में अच्छा प्रदर्शन करने लगे थे। हालांकि इसके बाद हम 1975 में पहला विश्व कप खेलने इंग्लैंड गए थे, हमारी अगली श्रृंखला 1979 में थी। दोस्तों, आज इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में हर मामले में हम खुद अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन पहले क्रिकेट के बारे में लगभग सभी लेखक अंग्रेज पत्रकार होते थे और विश्व भर के क्रिकेट प्रेमी उनके लेख पढ़ते थे और उनसे प्रभावित होते थे। जनता की राय बनाने में उनका काफी हाथ रहता था। तो इसलिए जिस तरह भारतीय टीम को नाम कमाने के लिए इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन देना जरूरी था, उसी तरह खिलाड़ियों का भी इंग्लैंड में अच्छा खेलना जरूरी था। सुनील गावस्कर हमारे लिए सबसे बढ़िया बल्लेबाज थे और हर देश में उन्होंने खूब सारे रन बनाए थे, शोहरत कमाई थी, लेकिन इंग्लैंड में अब तक उन्होंने दर्शकों को कुछ खास प्रभावित नहीं किया था। 71 और 74 की श्रृंखला में गावस्कर ने सिर्फ 30 की औसत से रन बनाए। उनका खेल 79 के दौरे में सुधरा। उसके बावजूद बर्मिंगम में खेला गया पहला टेस्ट मैच भारत हार गया। अगले दो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए और ओवल में खेले गए चौथे और फाइनल मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी में 103 रनों की बढ़त बनाकर चौथे दिन पारी घोषित की। सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाने के लिए हमारे सामने लक्ष्य था 8.5 घंटों में 438 रन। 3 साल पहले हमने वेस्टइंडीज में 404 चेस करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था, पर यह तो उससे भी विशाल लक्ष्य था। और इंग्लैंड में परिस्थितियां बैट्समैन के पक्ष में बिल्कुल नहीं होती हैं। लेकिन उस दिन गावस्कर ने फैसला किया कि वो अंग्रेजी दर्शकों को दिखा देंगे कि दुनिया भर में उनके नाम की इतनी चर्चा क्यों होती है। See, till then, Gavaskar had not scored 100 on that tour. And he was determined to score 100, he would score 100. और जब 100 करता था तो he used to go for double 100. वो एक्चुअली विकेट फेंकता नहीं था। And beautifully driven through the cover. Magnificent square cut. Time and again stepping out to drive him through the offside cordon. And he cracks him off the back foot for 4. रेडियो कमेंट्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और आपका कान बिल्कुल जुड़ा हुआ था किसी आसमानी आवाज के साथ जो आपको इस इनिंग्स को दर्शा रहा था। सुनील एंड चेतन चौहान, दे हैड अ फैंटास्टिक पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप, एंड दे गिव अ सॉलिड प्लेटफॉर्म। एंड देन आई वेंट टू बैट नंबर 3 एंड देन सुनील एंड मायसेल्फ वी स्कोर्ड ऑलमोस्ट 150 रन। 20 मैंडेटरी ओवर जब शुरू हुए तो 110 रन बाकी थे। भारत ने अटैक करना शुरू किया और इसके फलस्वरूप विकेट भी गिरने लगे। 490 मिनट क्रीज पर जमे रहने के बाद गावस्कर आखिर आउट हुए 221 रन बनाकर। इंग्लैंड में यह भारत के लिए आज तक सबसे अधिक स्कोर है। And that included Vishwanath. उसके बाद 45 मिनट्स में मीडियम पेसर आ गए और मैच हारने की नहीं थी। भारत को आखिरी दो ओवर में 15 रन चाहिए थे और केवल 2 विकेट गिरने बाकी थे। But we decided we won't lose the match. So the last 3 overs they just got some 3-4 runs only, which today when you look at it you say, oh how stupid. और ये क्रिकेट इतिहास का शायद सबसे रोमांचक ड्रॉ रहा है। खासियत हिंदुस्तान की 70s और 80s में ये थी कि हम जीतते जीतते हारते थे, पर गावस्कर ने हमारे लिए इतना तो जरूर किया कि बनस्पत ये कि हम जीतते जीतते हारे, हम जीतते जीतते ड्रॉ कर लेते थे। '83 में विश्व कप जीतने के 3 साल बाद कपिल देव की कप्तानी में हम 3 टेस्ट की श्रृंखला खेलने इंग्लैंड लौटे।
टीम में काफी सदस्यों को वर्ल्ड कप की वजह से इंग्लैंड में खेलने का तजुर्बा था। कपिल देव, रॉजर बिन्नी और मदन लाल जैसे अनुभवी बॉलर्स के साथ साथ चेतन शर्मा ने नई गेंद से उनके बैट्समैन को बहुत परेशान किया। उन्होंने लगातार ऑफ स्टंप के बाहर नपी तुली गेंदबाजी की और इन्हीं पारंपरिक मूल्यों से अंग्रेजी बल्लेबाजों की तकनीकी खामियां खुल के आईं। लॉर्ड्स में भारतीय तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड को नष्ट कर दिया। चेतन शर्मा ने पहली पारी में 5 विकेट लिए और वेंगसारकर ने लॉर्ड्स के मैदान में अपना 3rd शतक बनाया। कपिल देव ने दूसरी पारी में इंग्लैंड को ढेर कर डाला और भारत को विजय दिलाई। It was a fantastic victory. People enjoyed it. It was full house, electrifying atmosphere, and Lords. I mean, the ultimate place. उस वक्त Deloitte ratings के हिसाब से दिलीप वेंगसारकर number one batsman थे विश्व के, और Lords पे उन्होंने बताया क्यों इतनी high ranking उनकी, क्योंकि लगातार तीसरी बार एक शतक लगाया वहाँ पर। Leeds में खेले गए दूसरे test match में वेंगसारकर ने फिर शतक लगाकर खूब रंग जमाया और भारतीय गेंदबाजों ने एक एक करके सभी मेजबान बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाकर 279 रनों के बड़े फासले से मैच जीत लिया। हेडिंग्ले में हमारे मैच 3 दिन में खत्म हो गई, बिकॉज इट वॉज ओवरकास्ट कंडीशंस, इंग्लिश कंडीशंस टिपिकल, द बॉल वाज मूविंग ऑल ओवर द प्लेस, द बॉल इज टू ग्रिप एंड मूव, तो उसमें बिन्नी और चेतन शर्मा, मनिंदर सिंह और कपिल, दे बॉल ब्रिलियंटली। ये श्रृंखला हमने 2-0 से जीती, यकीनन ये हमारी सबसे एक तरफा जीत रही। 15 साल बाद भारत को विदेशी जमीन पर सफलता मिली। कितनी जरूरी और अहम थी ये सफलता, इसका एहसास हमें आने वाले सालों में ही पूरी तरह से हुआ। 1990 में भारतीय टीम के मैनेजर बने बिशन सिंह बेदी। उन्होंने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्थित ह्यूमन प्रोफिशिएंसी लेबोरेटरी में सभी खिलाड़ियों के फिटनेस ट्रेनिंग पर जोर दिया। उसके बाद सबने बैंगलोर में 2 हफ्ते के प्रिपरेशन कैंप में भी हिस्सा लिया और इंग्लैंड के 12वें दौरे पर जाने वाली इस वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई टीम के कप्तान थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। भारत ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला जीत ली। टेस्ट मैचों में हमें इंग्लैंड के कप्तान ग्रेहम गूच का सामना करना पड़ा। गूच ने पहले टेस्ट में 333 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दी। भारत फॉलो ऑन बचाने की कोशिश कर रही थी जब कपिल देव के खेल ने अपना जलवा दिखाया। What a good shot that is. Done it again. And that's gone a long way. Over the top for 6. That's a good shot. Right over the top and into the bleachers. That's big. That is a wonderful stroke. He gave himself room. Only Kapil Dev could have done that. Only Kapil Dev. 3rd, 4th, 5th, 6th deliveries. 4 chakke laga tha. To follow on bachaya. Aur next over mein, jaise सबको डर था या सबको एक तरह से टेंशन था, नरेंद्र हिरवानी आउट हुए। भारत पहला टेस्ट मैच हार गया, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन का नमूना पेश किया। हमने कुल मिला के 6 शतक बनाए, 2 रवि शास्त्री ने और 2 अजहरुद्दीन ने। लेकिन सबसे यादगार शतक था एक 17 साल के लड़के का। मैनचेस्टर में शुरुआती बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भारत हार की कगार पर खड़ा था। सचिन ने नाबाद 119 रन बनाए और भारत ने मैच ड्रॉ कर दिया। सबको एक हैरानी ये हुई, स्पेशली इंग्लैंड में, क्योंकि 16 का बच्चा वहां पर बहुत ही स्ट्रगल करता है। उस आई मीन ही जस्ट स्टार्ट्स लर्निंग क्रिकेट एंड दिस गाय वाज एबल टू गेट रन्स इन दैट फैशन। सचिन फर्स्ट बोलते ना, एक कार्ड उन्होंने उसने वर्ल्ड को एक विजिटिंग कार्ड की तरह दिया कि देखो, क्योंकि इंग्लैंड ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो आप करते हो पूरा वर्ल्ड नोटिस करता है। एंड तेंदुलकर फॉर हिम दैट वाज द इनिंग्स वेरी शोड द वर्ल्ड कैन वॉच आउट फॉर मी। जाहिर है कि 17 वर्षीय सचिन तेंदुलकर ही प्लेयर ऑफ द मैच बने। पुरस्कार के तौर पर उन्हें मैग्नम शैंपेन की एक बोतल मिली, पर सचिन को ब्रिटिश कानून के अनुसार अपना पुरस्कार खोलने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम थी।
1996 में भारत की टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में श्रीलंका से बुरी तरह से पिट के आई और इसके बाद मीडिया की नजर कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट टेस्ट जो खेला गया था ओल्ड ट्रैफर्ड पर, वहां पर यू नो हम सेटल ही हो रहे थे प्रेस बॉक्स में, खेल शुरू भी नहीं हुआ था, खबर आई कि सिद्धू इज नॉट ओनली नॉट प्लेइंग बट ही इज लेफ्ट द ड्रेसिंग रूम, ही इज लेफ्ट द टीम और वो लंदन चले गए एंड ही इज रिटर्निंग टू इंडिया। और एक तरह से खलबली मच गई वहां पर प्रेस बॉक्स में। नवजोत सिद्धू उस समय टीम में सबसे वरिष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे और कप्तान के साथ कुछ तालमेल न होने की वजह से वो वापस भारत लौट आए। जो उसने क्लेम किया कि जिल्लत हुई मुझे एंड इट वाज हाई टाइम ये करके, इट वाज नॉट ट्रू। तो व्हेन ही वाज लीविंग तो हम लोग ने एकदम इमोशनल फेयरवेल दिया, सचिन भी मेरे साथ है, शेरी जा रहे हैं ये करके। और फिर 6 महीने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा फेयरवेल हो गया और सिद्धू अभी भी खेल रहे। सिद्धू के ना होने से टीम में एक नया मोड़ आया। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में खाली पड़े मध्यम क्रम में जगह ली खेल में अभी अपनी शुरुआत कर रहे सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज गांगुली ने पहले ही मैच में 100 रन का स्कोर बनाया जो कि 1884 से लेकर अब तक तीसरा मौका है जब किसी बल्लेबाज ने अपने पहले मैच में लॉर्ड्स में खेलते हुए ये करतब दिखाया। The most striking thing about Ganguly even at the time was that he had a lot of time. कि फास्ट बोलो जो फास्ट लग के डालता है, तो जब सौरव खेलता तो ऐसा लग रहा था तो बोलर थोड़ा स्लो हो गया। अजय जडेजा मेरा दोस्त होता था एंड ही वाज अ कीन स्टूडेंट ऑफ द गेम, सुपर्ब उसकी रीडिंग होती थी गेम की एंड उसने बोला ये सौरव का सीरीज होगा, ये डेस्टिनी कुछ उसके लिए खास करेगी, आया है एंड देखो बैटिंग कैसे कर रहा है। भारत के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की लेकिन फिर भी हार से बचा ना पाए। सौरभ गांगुली ने लॉर्ड्स में अपने ड्रीम डेब्यू के बाद अगले टेस्ट में फिर एक और सैकड़ा लगाया और राहुल द्रविड़ डेब्यू पर सैकड़ा लगाने से 5 रनों से चूक गए। लेकिन दोनों को क्रिकेट प्रेमियों, खिलाड़ियों और मीडिया से बेइंतहा प्रशंसा मिली। अगले दौरे पर गांगुली कप्तान और द्रविड़ उप कप्तान बनके इंग्लैंड वापस आए। इस दौरे पर भारत ने एक रोमांचक फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर ट्राइनेशन नेटवेस्ट ट्रॉफी जीती। गांगुली की टीम में अनुभवी और जोशीले युवा खिलाड़ियों का मिश्रण था और इनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से हमने टेस्ट श्रृंखला 1-1 से ड्रॉ कर दी। ये जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन जो आई, न क्रिकेट की, मैं तो दूसरे फील्ड की बोल रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी हो या एजुकेशन हो, वो बड़ी एग्रेसिव है और बड़े आत्मविश्वास से भरपूर है। आज हमारे टाइम की जनरेशन शायद कुछ सोचती होगी, अरे फलानी टीम बहुत अच्छी है, हाँ फलाने फास्ट बॉलर है, ये चीज़। ये आज की जनरेशन ऐसा नहीं सोचती है, आज की जनरेशन तो चैलेंज ले रही है कि नहीं हम किसी से कम नहीं, हम उससे बेहतर ही हैं। इंग्लैंड के पिछले दौरे के बाद 5 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका था। भारत की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, भारत मीडिया पनप रहा था, क्रिकेट के क्षेत्र में भी परिणाम काफी अच्छे थे, टेस्ट में भी और ओडीआईस में भी। राहुल द्रविड़ अब कप्तान थे। 2007 के दुखद वर्ल्ड कप के फौरन बाद वो एक उत्तेजित टीम को लेकर इंग्लैंड गए। ये इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली भारत की अब तक की सबसे अनुभवी टीम थी। हमारी प्रसिद्ध बैटिंग के साथ साथ अनिल कुंबले और चोट से अभी अभी ठीक हुए जहीर खान ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। किसी से न डरने वाले नए दौर के युवा खिलाड़ियों ने बखूबी साथ निभाया और श्रृंखला 1-0 से जीत ली। 21 साल बाद हमें जीत का मीठा एहसास हुआ। इसके फलस्वरूप हम 2009 में ICC टेस्ट रैंकिंग्स के शिखर पर पहुंच गए। लेकिन क्रिकेट के इस हार जीत के खेल में हम 2011 और 2014 की श्रृंखलाएं हार गए। दूसरी ओर देखा जाए तो हम इंग्लैंड के खिलाफ ODIs में ज्यादातर विजयी रहे हैं। सैकड़ों सालों की अधीनता और 200 सालों की गुलामी कुछ ही सालों में हम भूल गए। इसका श्रेय काफी हद तक हमारी क्रिकेट को जाता है। क्रिकेट ही वो क्षेत्र है
जहां हमने पहली बार अंग्रेजों की बराबरी की, उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और उनका सम्मान अर्जित किया। The winning stroke that brings home a 4-wicket victory and a rubber. आज हमारी क्रिकेट टीम ने विश्व भर में अपना सिक्का जमा रखा है और दुनिया की हर टीम भारत को हराने में अपनी सफलता को मापती है। मेरा मानना है कि क्रिकेट महज एक खेल नहीं है, बल्कि हमारे समाज की प्रगति का आईना है। और आज जब हम इस आईने में देखते हैं, तो हमें एक कामयाब, आत्मविश्वासी और प्रगति की ओर अग्रसर भारत नजर आता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, भारतीय क्रिकेट और उससे जुड़ी सुनी अनसुनी कहानियां लेकर फिर हाजिर होऊंगा मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.